Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello dear all, today we are going to do the explanation of the questions which will be coming in Maths Olympiad. आज हम वो questions की explanation समझने जा रहे हैं जिसके टाइप के आपके मैथ्स के ओलंपियाड में क्वेश्चंस आने वाले हैं. नॉट एक्चुअली दीज क्वेश्चंस विल कम, बट टाइप ऑफ दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम. तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना. जिन बच्चों ने कल मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए थे, बहुत ही अच्छी बात है. मॉक टेस्ट में आज भी आपको मैं 4 क्वेश्चंस और देने वाली हूँ, वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं. बट आपको कुछ बच्चों के कल क्वेश्चंस के आंसर गलत आए थे, तो आपको ये वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और समझना है कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक है. और आपको ओलंपियाड जब एक्चुअल होगा तो आपको उसमें मिस्टेक नहीं करनी है. तो चलिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और लिखना है सिर्फ उसका आंसर. क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना होगा. अगर ए सही है तो ए, उसके आगे आंसर. बी सही है तो बी डाल के उसका उसके आगे आंसर. वन लिख के अगर जो भी पार्ट उसका सही है वो उसका आंसर लिखना है उसके आगे. ठीक है, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, आपको ये चेक करना है कि आप प्राइम नंबर होते क्या हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं. दो फैक्टर भी कौन से, एक वन और एक वो नंबर खुद. अब देखिए 15 क्या है, 15 किसी के टेबल में आता है. यस, 3 के टेबल में भी आते हैं, 5 के टेबल में भी आते हैं. तो 3, 5 ज़ 15, तो 1 और 15 नंबर खुद के अलावा और 1 के अलावा इसके दो फैक्टर्स और हैं. दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है. बट वेट, अभी आपको सब ऑप्शंस चेक करने हैं, उसके बाद आपने टिक लगाना है. 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन हो सकता है सही, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 18 देखिए, 18 क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर 2 को छोड़ के सारे इवन नंबर जो हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है. 28 ये भी क्या है, इवन नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है. डी ऑप्शन के ऑल ऑफ दी. तो अब देखिए, जब भी आपके पास ऐसा केस आए तो आपको देखिए तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, अगर पूछा जाता विच इज़ अ प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपके पास एक ऐसा नंबर होता ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज की जगह, कि वो प्राइम नंबर होता, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते, वन और वो नंबर खुद, तब आप उस पर टिक करते. लेकिन यहाँ पर तो तीनों ही प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. नेक्स्ट पर चलते हैं. इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लैक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई. देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ना एक रफ पे आइडिया लगा लीजिए, रफ पे नोट कर लीजिए. इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, तो ब्लू को हम साइड पे लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेती हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. बी बी लिख लेंगे, ठीक है, ब्लू को लिख लेंगे बी. बी इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन को लिख लिया जी. ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट को लिख लिया डब्ल्यू. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाइट इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड ब्लैक. अब क्वेश्चन क्या है, ब्लैक को बी पूरा लिख लेते हैं. देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई. अब आपको पता है क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू. लेकिन क्वेश्चन में ब्लू क्या है, ग्रीन. तो यहाँ पर ब्लू नहीं टिक करेंगे आप, क्या करेंगे, ग्रीन टिक. ठीक है, ऑल दो क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, बट यहाँ क्वेश्चन में ब्लू क्या दिया हुआ है, ग्रीन, तो हम ग्रीन को टिक कर देंगे. ये आपका आंसर है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो आपको पहले रफ पे आइडिया लगा लेना है. जो भी जिसको कहा होगा ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, तो ब्लू के आगे लिख लेना एरो डाल के जी. ठीक है, जो भी इस टाइप के आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप के आएंगे, तो जो भी रेफरेंस दिया होगा रफ पे आप उसको एरो लगा के कर लिया करिए. नेक्स्ट है, वेन गोज टू बेड एग्जैक्टली 65 मिनट्स आफ्टर 8:30 PM. एट वॉट टाइम डज वेन गो टू बेड. देखिए, वेन एक बच्ची होगी, वो क्या कह रही है कि वो 8:30 PM के 65 मिनट्स के बाद सोने चली जाती है. ठीक है, तो वो कितने बजे सोने जाती है. अब आपको क्या करना है, 8:30 में 65 मिनट्स ऐड कर देने हैं. अब देखिए, 65 मिनट्स क्या होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो यानी कि 65 मिनट्स कितने हो गए, 1 आवर प्लस 5 मिनट्स. तो आपको 8:30 में क्या ऐड करना है, 1 आवर प्लस 5 मिनट्स. देखिए,
वो तो आप कर सकते हैं। 8:30 का 1 घंटा बढ़ा दीजिए, क्या हो गया 9:30, और 9:30 के बाद 5 मिनट और बढ़ा दीजिए, 9:35 मिनट्स, ठीक है 9:35 PM। तो इसमें से 9:35 ऑप्शन कौन सा है, देखिए समझ आ गया। देखिए बहुत इजी है ये, 65 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 65 मिनट्स का मतलब क्या है, 1 आवर प्लस 5 मिनट्स। 65 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 1 आवर प्लस 5 मिनट्स, और कितने 8:30 बजे के 65 मिनट्स के बाद वो सोने चले जाती है। तो 8:30 में 1 घंटा ऐड कर लीजिए, 9:30, 8:30 प्लस 1 आवर 9:30, और 5 मिनट्स क्या, 9:35 मिनट्स, 9:35 PM, तो 9:35 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू विच ग्रुप डज दिस शेप बिलोंग। अब बताइए इसमें से जो मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया था उसमें क्लियर है, इसमें थोड़ी सी अच्छी से नहीं ड्रॉ हुई है, बट फिर भी आपको आइडिया मिल जाएगा। वो पूछ रहे हैं कि इन तीनों P, Q एंड R नेम दे दिए हैं शेप्स को, इन तीनों में से जो ये वाली ट्राइंगल की शेप है प्रॉपर, यही वाली ट्राइंगल की शेप ऐसी, ये इन तीनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप में है। देखिए ऑप्शन दे रखे, पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, पी एंड आर या पी क्यू आर, तीनों। अब देखिए नोट करिए, देखिए फर्स्ट वाले में है ये ट्राइंगल की शेप, यस। सेकेंड वाले में ऐसे ट्राइंगल की शेप तो नहीं है, सिंपल इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रहा है ये, तो आइसोसेलेस है, जिसकी दो शेप्स लंबी हैं और बीच वाली छोटी है। अब ये भी यहाँ आर में भी है, तो देखिए पी और आर में है ये ट्राइंगल की शेप, क्यू में नहीं है ये वाली लंबे वाले ट्राइंगल की। तो देखिए पी एंड आर ऑप्शन है, पी एंड क्यू है, क्यू एंड आर है, पी एंड आर है, तो दैट मीन्स पी एंड आर जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, सो गो अहेड, ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड गो अहेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड एग्जाम। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।